दिया तो तुमने मेरी तरफ से बोल दीजिएगा। जैसा कि आप लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, जिस कदर है साहब अजमत मोल्ला और बदिया, उस कदर वीरान ये दोनों ही कब्रिस्तान है। कुरान हमें अक्ल के इस्तेमाल का हुक्म देता है। इस्लाम के माने पीस, शांति और अमन के हैं। यही वजह है सच्चे मायने में गौर फिक्र करके इस्लाम को मानने वाले, इस्लाम के भेष में छुपकर इस्लाम को बदनाम करने वाले अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल के एजेंट सऊदी और वहाबी हुक्मरानों को पहचानती है, जिन्होंने सरजमीन अरब पर हुकूमत की लालच में यहूदियों और नसरानियों के इशारे पर नाचते हुए 1925 में मक्के में मौजूद जन्नतुल माला और मदीने में मौजूद जन्नतुल बकी के मजारात शिर्क और बिदअत के नाम पर बर्बाद कर दिए, उन्हें जमीन दोज कर दिया, जिसकी मजम्मत करने और जिसे दोबारा तामीर करवाने के सिलसिले में इस जगह जंतर मंतर नई दिल्ली पर तकरीबन 29 साल से एहतजाज हो रहा है और शिया और सुन्नी दोनों मिलजुल कर सऊदी वहावी हुकूमत को मेमोरेंडम दे रहे हैं, मगर जालिम सऊदी हुकूमत के काम पर जू नहीं रह रही। दुनिया वाले सऊदी हुकूमत को पहचानने की सऊदी हुकूमत कितने जालिम है कि जिसने नबी का कलमा पढ़ते नबी की बीवियों, उसी नबी के साथियों और उसी नबी की एकलौती चहेती बेटी के मजार को गिरा दिया। ये वो बेटी है जो अपनी जिंदगी में भी जुल्म बर्दाश्त करती रही और शहादत के बाद भी जालिम सऊदी हुकूमत ने उन्हें चैन से नहीं रहने दिया। सऊदी अरबिया के हाकिम जालिम जजीद के नाम पर रोड बनवा रहे हैं और रसूल और आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की चीज चुन चुन कर मिटा रहे हैं। दुनिया भर में फैले मजार गिराने वाले दहशतगर्द उसी वहाबी फिक्र की पैदावार है जिसने बीबी फातिमा का मजार शहीद किया। हम उसकी मजम्मत करते हैं और मजारात को फिर से बनाने की मांग करते हैं।